वेलकम टू दिस ऑनलाइन चैनल बाई यूनिक हाई स्कूल बैरिया टाउन कैंपस लाहौर। आई एम यासिर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 4 विच इज़ टाइटल्ड एज द ग्रेट ट्रेन जर्नी ऑफ क्लास 6 इंग्लिश टेक्स्ट बुक। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये वाला जो चैप्टर है द ग्रेट ट्रेन जर्नी, ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, जो कि एक इंडियन राइटर है, हिमाचल प्रदेश में जो ये पैदा हुए और अभी तक ये अलाइव है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 39 सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर लेसन। सो हियर वी गो, द ग्रेट ट्रेन जर्नी। तो ये एक कहानी है एक लड़के की, जो कि काफ़ी शौकीन होता है कि वो जाकर ट्रेन्स को देखे, और ट्रेन का सफ़र जो है एक उसकी क्यूरियोसिटी होती है कि ट्रेन का सफ़र कैसा होता है। तो वो चाहता है कि मैं जो ट्रेन का सफ़र करूँ। तो एक दिन जो है वो ट्रेन के अंदर बैठ जाता है जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, सामान को जो है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। वो वाली ट्रेन के अंदर बैठ जाता है और देख रहा होता है, अंदर जायज़ा ले रहा होता है कि ट्रेन अंदर से कैसी दिखती है। इसी दौरान जो ट्रेन जो है वो चल पड़ती है और किसी और स्टेशन के लिए वो रवाना हो जाती है। तो जब वो देखता है कि ये ट्रेन चल पड़ी है तो उसे खुशी भी होती है एक जगह से, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होता कि वो सर्वाइव कर सके। तो वो ये सोचता है कि मुझे जो है ये किसी दूसरे मुल्कों में जाकर ट्रेन को जो है फिरा लेगा और मैं वो सारे शहर को घूमूंगा और फिरूंगा, और इस तरह से उसकी जो विश है, एक उसकी क्रेविंग है, वो पूरी हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि वो ट्रेन जो है वापस कुछ ही देर में जो है उसको उसी जगह पर लाकर उतार देती है जहाँ से उसने ये सफ़र स्टार्ट किया होता है। तो इस तरह से उसकी जो एक फैंटेसी होती है, एक उसका इमेजिनेशन होती है, वो ऐसा ऐसा से ख़त्म हो जाती है। सो लेट्स सी व्हाट ही सेज़। साजिद वेव्ड टू अ पासिंग ट्रेन, कि साजिद ने हाथ हिलाया एक जाती हुई ट्रेन को, एंड केप्ट वेविंग अंटिल ओनली द स्पायरलिंग स्मोक रिमेन, और तब तक हिलाता गया जब तक सिर्फ और सिर्फ उसका बल खाता हुआ धुआं रह गया। यानी कि जब ट्रेन चली जाती है तो उसके पीछे उसका सिर्फ धुआं रह जाता है जो कि हवा के अंदर उड़ा होता है, उसको कहते हैं स्पायरलिंग स्मोक, यानी कि वो ट्विस्टेड होता है। ही लाइक्ड वेविंग टू ट्रेन्स, उसे अच्छा लगता है कि वो जो है ट्रेन्स को हाथ हिलाए। ही वंडर्ड अबाउट द पीपल इन देम, और वो हैरान होता है कि वो जो अंदर उसके लोग हैं ट्रेन के वो कैसे होते हैं, एंड अबाउट वेयर दे वर गोइंग, और वो कहाँ जा रहे होते हैं, एंड वट इट वुड बी लाइक देयर, और उसके अंदर कैसा लगता है। एंड वैन द ट्रेन हैड पास्ड, और जब वो ट्रेन जा चुकी थी, लीविंग बिहाइंड ओनली द हॉट एम्प्टी ट्रैक, साजिद वॉज लेफ्ट अलोन। तो जब वो ट्रेन जा चुकी थी, वो कह रहे पीछे सिर्फ और सिर्फ हॉट ट्रैक रह गया था, हॉट और एम्प्टी ट्रैक। जब उसके ऊपर पटरी के ऊपर जो है रेलगाड़ी चलती है तो वो जो है काफ़ी गर्म हो जाता है, ठीक है, और वो कह रहा खाली रह गया था, और साजिद वॉज लेफ्ट अलोन, और साजिद जो है पीछे अकेला रह गया था। तो अब ये बता रहा है कि उसको जो अच्छा लगता है कि वो जाते हुए ट्रेन्स को देखे, क्योंकि उसके अंदर क्यूरोसिटी है कि जो लोग इसके अंदर सफ़र करते हैं वो कैसे होते हैं, उसके बाद जो ट्रेन का इंटीरियर है वो कैसा होता है, ये लोग कैसे जा रहे होते हैं, और अंदर बैठना जो है वो कैसे लगता है। तो ये सारे उसके माइंड के अंदर क्वेश्चंस होते हैं जो कि उसको इंट्रीग कर रहे होते हैं। ही वॉज़ अ लिटल लोनली नाउ, अब वो काफ़ी तन्हा था। हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स, उसके जो हाथ थे वो उसकी पॉकेट्स में थे। ही वॉन्टेड अलोंग द रेलवे ट्रैक, और वो रेलवे ट्रैक के अलोंग यानी उसके साथ साथ जो है घूम रहा था। किकिंग एट लूज पेबल्स, यानी कि वहाँ पे जो पत्थर पड़े हुए थे उसको जो है वो पाँव से टुकरा रहा था। एंड सेंडिंग देम डाउन द बैंक, और उसको नीचे की तरफ भेज रहा था। बैंक कहते हैं स्लोपी सरफेस को, यानी कि एक पूरा उसके अंदर इंक्लाइनेशन होती है। सून देयर वर अदर ट्रैक्स, और वहाँ पर जो है कह रहा दूसरे ट्रैक्स भी मौजूद थे। अ रेलवे साइडिंग एंड अ स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, रेलवे साइडिंग का ट्रैक था और स्टेशनरी गुड्स ट्रेन यानी कि जो सामान को जो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है वो वाले ट्रेन्स मौजूद थे। स्टेशनरी का मतलब है वो स्टैटिक थे, यानी कि अपनी जगह पर वो फिक्स थे, हिल नहीं थे, यानी कि वो आने जाने के लिए नहीं थे। साजिद वॉक द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन, वो जो है कह रहा है जी जितनी लंबी ट्रेन थी उसके साथ साथ उसने जो है वॉक की देखने के लिए कि ट्रेन कैसी है। द कैरिज डोर्स वर क्लोज्ड, जो उसका कैरिज डोर्स होते हैं जो उसके अंदर वो बोगियाँ बनी होती, बॉक्सेस बने होते, उसको हम कहते हैं कैरिज डोर्स। उसका जो दरवाज़ा था उसके लिए उसने ये वर्ड यूज़ किया, कैरिज डोर्स वर क्लोज्ड, वो बंद थे। एंड और एज देयर वर नो विंडोज़, और वहाँ पर कोई भी खिड़की नहीं थी। ही कुडंट सी इनसाइड, तो वो अंदर नहीं देख सका। ही लुक्ड अराउंड टू सी इफ ही वॉज बींग ऑब्जर्व्ड, और उसने अपने आसपास देखा कि क्या उसे कोई देख रहा है। एंड देन, और फिर सेटिस्फाइड दैट ही वॉज अलोन, और वो फिर मुतमइन हो गया कि मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ। बिगैन ट्राइंग टू द डोर्स, ठीक है, बिगैन ट्राइंग द डोर्स, यानी कि वो उसने दरवाज़ा खोलना शुरू किया। ही वॉज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ट्रेन, और वो अब ट्रेन के बिल्कुल एंड पे था।
व्हेन अ कैरिज डोर गेव वे टू हिज थ्रस्ट, जब वो जो कैरिज डोर था उस बॉक्स का जो दरवाज़ा था गेव वे यानी कि खुल गया टू हिज थ्रस्ट। थ्रस्ट कहते हैं उसकी फोर्स की वजह से, जो उसने उसके ऊपर धक्का लगाया उसकी वजह से वो दरवाज़ा जो है खुल गया। इट वॉज डार्क इन साइड, अंदर काफ़ी अंधेरा था उस कैरिज के अंदर। साजिद स्टूड आउटसाइड इन द ब्राइट सनलाइट, वो जो है बाहर खड़ा हुआ था काफ़ी तेज़ धूप के अंदर, पीयरिंग इन टू द डार्कनेस, और वो उस तारीकी के अंदर ढूंढ रहा था। पीयरिंग कहते हैं लुकिंग सर्चिंगली, यानी कि जब आप देख रहे होते कुछ चीज़ ढूंढने के लिए उसको हम कहते हैं पीयरिंग इन टू द डार्कनेस, यानी कि उस वो अंधेरे के अंदर ढूंढ रहा था यानी अंदर देख रहा था गौर से। ट्राइंग टू रिकग्नाइज बल्कि शेपलेस ऑब्जेक्ट, और वो कोशिश कर रहा था उनको पहचानने के लिए, बल्कि यानी बहुत बड़े शेपलेस यानी जिनकी कोई शेप नहीं थी, ऑब्जेक्ट्स जो भी अंदर चीज़ें पड़ी हुई थी उनको वो ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था कि अंदर ये क्या चीज़ें पड़ी हुई है। ही स्टेप्ड इन टू द कैरिज, तो उसने क्या किया वो अंदर दाखिल हुआ उस बॉक्स के अंदर, एंड फेल्ट अराउंड, और उसने अपने आसपास देखा। द ऑब्जेक्ट्स वर क्रेट्स, जो ऑब्जेक्ट्स थे वो क्रेट्स थे यानी कि बॉक्सेस थे, जो वुड के बॉक्सेस होते हैं लकड़ी के। एंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वुड वर्क ही फेल्ट स्ट्रॉ, और उस सेक्शन के अंदर कह रहा जी जो वुड वर्क यानी कि वो लकड़ी के बने हुए थे बॉक्स, और उसके ऊपर जो है उन्होंने स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका वगैरह, उसको जो वो तिनका फील हुआ। ही ओपन द डोर एंड द सन स्ट्रीम्ड इन टू द कंपार्टमेंट, उसने जो दरवाज़ा खोला और जो सूरज की रोशनी थी वो अंदर दाखिल हुई उस कंपार्टमेंट यानी कि उस कमरे के अंदर, कमरा यानी कि वो जो बॉक्स था उसका ट्रेन का। ड्राइविंग आउट द मस्टी डार्कनेस, और उसके अंदर जो नमी वाली तारीकी थी या अंधेरा था उसको वो बाहर ले गया। तो यहाँ तक उसने बताया कि उसकी जो क्यूरोसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और उसी क्यूरोसिटी के अंदर उसने जो वो दरवाज़ा खोला कैरिज डोर का, अंदर दाखिल हुआ देखने के लिए कि अंदर क्या होता है। ठीक है, अब उसको जो वहाँ पे क्रेट्स नज़र आए और चारों साइड पे उसको जो है काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस नज़र आई, लेकिन उसने दरवाज़ा खोला ताकि ये जो डार्कनेस है ख़त्म हो जाए और वो ईजिली ऑब्जर्व कर सके। साजिद सैट डाउन ऑन अ पैकिंग केस, वो एक पैकिंग केस के ऊपर जो है बैठ गया, पैकिंग केस यानी कि वो जो बॉक्सेस बने हुए थे लाइक दीज बॉक्सेस। हिज चिन कप्ड इन हिज हैंड, यानी कि उसने अपने हाथों के ऊपर अपना मुंह रख लिया। ठीक है, जिस तरह ये इस पोजीशन में पोस्टर में बैठा हुआ है। द स्कूल वॉज क्लोज फॉर समर हॉलीडेज, जो उसका स्कूल था वो गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद था। एंड ही हैड बीन वॉन्ड्रिंग अबाउट ऑल डे, और वो सारा दिन जो है वो घूमता रहता था। एंड स्टिल डिड नॉट नो, और फिर भी उसे नहीं पता था वट टू डू विद हिमसेल्फ, कि अपने साथ वो क्या करे। द कैरिज वॉज बेयर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ग्लैमर, तो जो वो कैरिज था वो कह रहे हैं कि उसके अंदर कोई भी ग्लैमर नहीं था यानी कोई खूबसूरती नहीं थी, उसको सजाया नहीं हुआ था। पासिंग ट्रेन्स फासिनेटेड हिम, जो अब उसके अंदर बैठा हुआ था वो उस कैरिज के अंदर, तो वो कह रहे जो आसपास से ट्रेन्स गुजर रही थी वो काफ़ी उसको जो है फासिनेट कर रही थी यानी कि उसका इंटरेस्ट पैदा हो रहा था उसके अंदर। मूविंग ट्रेन्स जो कि कह रहे एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, क्राउडेड ट्रेन्स लोगों से भरी हुई ट्रेन्स, श्रीकिंग यानी कि चीखती हुई, जब वो ट्रेन आती है तो उसका जो हॉर्न होता है उसको हम कहते हैं श्रीकिंग हॉर्न। पेंटिंग, पेंटिंग होता है सांस लेना। ठीक है, तो अब वो उधर बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि किस तरह से ट्रेन आ जा रही है जिसके अंदर लोग भी बैठे हुए हैं, और जो ट्रेन का शोर है और ट्रेन जो है सांस ले रही है यानी कि उसका जो धुआं ऊपर की तरफ उछा रहा है वो काफ़ी इसको जो है फासिनेट कर रहा था यानी कि इसका उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो रहा था। ऑल फासिनेटेड हिम, यानी कि वो सारी ट्रेन जो थी इसको काफ़ी इंट्रीग कर रही थी। बट दिस स्मेली डार्क कंपार्टमेंट फिल्ड हिम ओनली विद ग्लूम एंड मोर लोनलीनेस, लेकिन वो कह रहा है ये जिसके अंदर वो बैठा हुआ है जिस कैरिज के अंदर जो कि काफ़ी डार्क कंपार्टमेंट है, स्मेली है क्योंकि वो काफ़ी देर का बंद होगा मे बी। ठीक है, फिल्ड हिम ओनली विद ग्लूम, यानी कि उसको जो है सैडनेस और लोनलीनेस, ज़्यादा लोनलीनेस के अंदर जो है वो कह रहा है उसको उसने कन्वर्ट कर दिया यानी कि इससे उसको कोई भी जो है खुशी नहीं मिली, कोई भी जॉय उसको हासिल नहीं हुआ इस कंपार्टमेंट के अंदर। ही डिड नॉट रियली लुक ग्लूमी और लोनली, और वो ज़्यादातर ग्लूमी का मतलब होता है डार्कनेस और सैडनेस वगैरह, वो कह रहे हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा वैसे दिख नहीं रहा था कि वो काफ़ी तन्हा है और काफ़ी सैड है। बट ही लुक्ड फियर्स एट टाइम्स, लेकिन वो कह रहे हैं काफ़ी पावरफुल लग रहा था। ही लुक्ड फियर्स एट टाइम्स, इसका मतलब ये कि वो कभी कभी काफ़ी जो है वायलेंट हो जाता था यानी कि उसको क्यूरोसिटी जो थी वो उसकी काफ़ी बढ़ जाती थी। व्हेन ही ग्लेयर्ड आउट एट पीपल फ्रॉम अंडर हिज डार्क आईब्रोज, और जब वो देखता था लोगों को अपनी स्याह आईब्रोज के नीचे से। बट अदरवाइज ही यूजुअली वोर अ कंटेंटेड लुक, लेकिन उसके चेहरे पर कह रहा है काफ़ी मुतमईन सी सेटिस्फेक्शन वाली लुक होती थी, कंटेंटेड यानी सेटिस्फाइड लुक। एंड नो वन कुड गेस जस्ट हाउ डीप हिज थॉट्स वर, और कोई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसकी जो सोच है उसकी थिंकिंग पावर है वो कितनी ज़्यादा गहरी है या फिर डीप है।
परहैप्स शायद इफ़ ही हैड कंपनी, अगर उसके साथ कोई होता, यानी उसका कोई साथी होता, कोई उसका दोस्त होता, सम फन कुड बी हैड इन द कैरी, तो यहाँ पर वो कुछ मज़ा कर सकता था. इफ़ देयर हैड बीन अ फ्रेंड, और अगर उसके साथ कोई दोस्त होता, विद हिम सम वन लाइक उमैर, यानी उसका जो उमैर दोस्त है, अगर वो कह रहा हो उसके साथ होता, तो वो काफ़ी जो है इसके अंदर कैरीज के अंदर फन कर सकते थे. ही लुक्ड एट द क्रेट्स, सो उसने जो उन क्रेट्स को देखा, यानी ये वाले जो क्रेट्स पड़े हुए कि वो कैसे थे, ठीक है, जो कि वुडन के बने हुए थे, लकड़ी के. ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट थिंग्स दैट वर बोल्टेड और नेल्ड डाउन, तो उसको हमेशा जो है एक तजस्सुस रहता था, क्यूरियस यानी कि क्यूरोसिटी, तजस्सुसपन जो होता है, तजस्सुस रहता था कि ये जो चीज़ें जिनको किलों से या फिर पेचों से बंद किया जाता है, बोल्टेड और नेल का मतलब है किल या पेच से बंद करना, डाउन और इन सम वे कंसील्ड फ्रॉम हिम, और वो चीज़ें जो कि उसे छुपा कर रखी जाती थी, कंसील्ड यानी कि छुपा कर रखा जाना, हिडन. थिंग्स लाइक पार्सल्स, और ऐसी चीज़ें जो कि कह रहे जी पार्सल्स होते थे यानी पैकेज होते थे बंद, एंड लॉक्ड रूम्स और बंद कमरे, एंड कैरिज डोर्स और कैरिज डोर्स जिसके अंदर वो भी मौजूद है, एंड क्रेट्स और ये क्रेट्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बंद होती है, वो कह रहे जो चीज़ें बंद होती थी जिनको छुपा कर रखा जाता था, वो सारी चीज़ें जो उसको काफ़ी इंट्रीक करती थी और क्यूरोसिटी पैदा करती थी. ही वेंट फ्रॉम वन क्रेट टू अनदर, वो एक क्रेट से दूसरे क्रेट की तरफ गया, एंड सोन हिज परसिवरेंस वॉज रिवॉर्डेड, और उसका जो अज़म था, परसिवरेंस यानी उसकी डिटर्मिनेशन, उसका अज़म, वो जो है रिवॉर्डेड यानी कि उसको जल्दी उसका फल मिल गया. द कवर ऑफ वन वन हैड नॉट बीन प्रॉपरली नेल डाउन, तो उसमें से एक जो क्रेट था उसका कवर जो है सही तरह से जो है किलो से नहीं बंद किया गया था. साजिद गॉट हिज फिंगर्स अंडर द एज एंड रेज्ड अप द लिड, उसने जो है अपनी उंगलियां उसके अंदर डाली और उसका जो ढक्कन था वो उठा दिया, लिड यानी उसका जो ऊपर वाला कवर होता है या ढक्कन. एब्जॉर्ब्ड इन दिस ऑपरेशन, और उसने जो है इसमें काफ़ी वो मगन हो गया था, ठीक है, यानी कि और जो अब देख रहे हैं कि उसके अंदर क्रिएट्स के अंदर क्या चीज़ें मौजूद है, तो वो इसके अंदर काफ़ी मगन था. ही डिड नॉट नोटिस द स्लाइट शडर दैट पास थ्रू द ट्रेन, और उसने इस बात को बिल्कुल भी फील नहीं किया. शडर यानी कि क्लोजिंग साउंड होता है, पीछे जो उसका वो शडर लगा हुआ था वो उसने जो है बंद कर दिया ड्राइवर ने, तो उसने वो भी फील नहीं किया कि वो जो शडर है वो बंद हो चुका हुआ है. ही प्लंज्ड हिज हैंड्स इनटू द स्ट्रॉ, उसने अपने हाथ जो है अंदर की तरफ डाले. स्ट्रॉ का मतलब ये कि जो फूड के क्रेट्स होते हैं उसके ऊपर ये स्ट्रॉज लगे होते हैं, ठीक है, ताकि जो फ्रूट है वो अंदर फ्रेश रहे. तो वो कह रहे उसको जो है वो स्ट्रॉज फील हुए, एंड पुल्ड आउट एन एप्पल, और उसमें से उसने एक सेब निकाल लिया. इट वॉज डार्क, अब जो है काफ़ी अंधेरा हो चुका हुआ था, नहीं बल्कि वो सेब के बारे में बता रहा है. इट वॉज अ डार्क, ठीक है, वो जो एप्पल था वो काफ़ी डार्क था, रबी रेड एप्पल, और वो काफ़ी जो है सुरख किस्म का था. एंड इट ले इन द डस्टी पाम ऑफ साजिद्स हैंड लाइक सम जाइगेंटिक प्रेशियस स्टोन, और वो सेब जो था वो काफ़ी डार्क भी था और रेडिश भी था, वो उसकी हथेली में जो कि काफ़ी डस्टी थी, मट्टी वाली थी, क्योंकि वो काफ़ी क्रेट्स को जो है ऑब्जर्व कर रहा था काफ़ी देर से. साजिद्स हैंड्स लाइक सम जाइगेंटिक प्रेशियस स्टोन, और इस तरह से लग रहा था कि उसने काफ़ी बड़ा एक कीमती पत्थर अपने हाथ में पकड़ा हुआ, जाइगेंटिक यानी कि बहुत बड़ा, ह्यूज, प्रेशियस, कीमती. स्मूथ एंड राउंड एंड ग्लोइंग इन द सनलाइट, वो काफ़ी स्मूथ था यानी उसकी सरफेस जो थी वो काफ़ी क्लीन थी, राउंड गोल था, एंड ग्लोइंग, और वो चमक रहा था इन द सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी के अंदर. साजिद लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा, आउट ऑफ द डोरवे, उस दरवाजे के पास, एंड थॉट ही सॉ अ ट्री वॉकिंग पास द ट्रेन, और उसने देखा कि जो दरख्त है वो उसके रास्ते से जो है गुजर रहे हैं, ठीक है, यानी जब ट्रेन चल रही होती है तो जो ट्रीज़ होती है और साइड पे जो भी सीनरीज वगैरह होती है वो मूव कर रही होती है, तो उसने जब ये देखा कि उसके आसपास जो है वो दरख्त जो है वो पास कर रहे हैं, गुजर रहे हैं. ही ड्रॉप द एप्पल एंड स्टेयर्ड, उसने जो है एप्पल को नीचे गिरा दिया, और स्टेयर्ड का मतलब ये है गौर से देखा, ठीक है. There was another tree, तो वहाँ पर एक और tree था, and another, all walking past the door with increasing rapidity, यानी कि अब उसको जो है series of trees नज़र आने लग पड़े क्योंकि अब जो ट्रेन है वो चलना शुरू हो चुकी हुई है. With increasing rapidity, यानी कि वो अब तेज़ी के साथ जो है वो trees जो है गुजर रहे थे, यानी जो ट्रेन थी वो तेज़ी के साथ मूव कर रही थी. साजिद स्टेप्ड फॉरवर्ड बट लूज इज बैलेंस, वो जो आगे की तरफ उसने मूव किया लेकिन उसका जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, एंड फेल ऑन हिज हैंड एंड नी, और अपने हाथों और घुटनों के बल वो नीचे गिर पड़ा. द फ्लोर बीनीथ हिम, यानी कि उसके नीचे जो फ्लोर था उसका कैरिज का या फिर ट्रेन का, वॉज वाइब्रेटिंग, वो जो वाइब्रेट कर रहा था यानी कि उसके अंदर जो है एक थरथराहट थी क्योंकि वो इंजन उसका चल रहा था ट्रेन का और ट्रेन जो है मूव कर रही थी. द व्हील्स वर क्लैटरिंग ऑन द ट्रेल्स, व्हील्स वर क्लैटरिंग का मतलब ये कि जब व्हील उसके पटरी के साथ
लगते हैं और वो मूव करते हैं तो उसके अंदर से एक साउंड पैदा होता है, थरथराहट का साउंड, उसको कहते हैं क्लैटरिंग। द व्हील्स वर क्लैटरिंग ऑन द रेल्स, रेल का मतलब है कि वो पटरी, तो व्हील जो उसके ऊपर जो है थरथरा रहे थे, यानी उससे जो एक साउंड पैदा हो रहा था। द कैरेज वॉज स्विंग, और जो वो कैरेज था वो झूल रहा था, यानी कि अब वो ट्रेन मूव कर रही है तो ऑब्वियसली उसने जो है मूव करना था। द ट्रीज़ वर रनिंग नाउ, और अब जो ट्रीज़ है वो काफ़ी तेज़ भाग रहे थे, स्वीपिंग पास द ट्रेन, और इस ट्रेन को जो है पीछे छोड़ रहे थे। एंड द टेलीग्राफ पोल्स ज्वाइन दैम इन द क्रेजी रेस, और टेलीग्राफ पोल्स यानी कि जो रस्से में खंभे लगे होते हैं वो कह रहे हैं वो भी मौजूद थे, जो कि इसी के साथ जो है क्रेजी रेस के अंदर ज्वाइन किया इन्होंने, यानी कि ट्रीज़ और ये जो पोल्स है ये दोनों जो है उसको नज़र आए कि वो जो है जल्दी से मूव करे और ट्रेन को वो पीछे छोड़ रहे हैं। क्राउचिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नी, क्राउचिंग का मतलब होता है कि बेंड करना, ठीक है। अब बेंड किए उसने अपने हाथ और अपने घुटनों को। साजिद स्टेयर्ड आउट ऑफ द ओपन डोर, उसने जो है उस खुले हुए दरवाजे से बाहर देखा। एंड रियलाइज दैट द ट्रेन वॉज मूविंग, और उसने ये देखा कि उसको पता चला कि अब जो ट्रेन है वो मूव कर रही है, ठीक है। मूविंग फास्ट, मूविंग अवे फ्रॉम हिज होम, काफ़ी तेज़ दौड़ रही है और वो उसके घर से काफ़ी दूर जा रही है। एंड पफिंग इन टू द अननोन, पफिंग का मतलब होता है स्मोकिंग, यानी वो धुआं उड़ा रही है किसी अननोन जगह पर, यानी कि जहाँ पर वो ट्रेन जा रही है उसको उस जगह का नहीं पता कि उसकी जो मंजिल है, उसका जो गोल है वो कौन सी जगह है। ही क्रेप्ट कॉशियसली टू द डोर एंड लुक्ड अप, क्रैप्ट जो है वो क्रीपिंग की थर्ड फॉर्म है, तो वो कह रहा है, या सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है, वो कह रहा है ही क्रैप्ट कॉशियसली, यानी कि वो रींगा, क्रैप्ट का मतलब होता है क्रीपिंग का रींगना, कॉशियसली एहतियात से वो रींग कर आगे की तरफ गया डोर की तरफ। एंड लुकड आउट, और उसने बाहर की तरफ देखा। द ग्राउंड सीम्ड टू रश अवे फ्रॉम द व्हील्स, और वो जो ग्राउंड था यानी कि ज़मीन, वो जो है व्हील्स की तरफ से जो है इस तरह दिख रही थी कि वो पीछे की तरफ जो है व्हील्स उसको धकेल रहे हैं। ही कुडंट जंप, वो बाहर जंप भी नहीं कर सकता था बिकॉज वो जो ट्रेन थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रही थी। Was there? He wondered. Any way of stopping the train? और वहाँ पर कह रहे जी कोई भी ऐसी जगह नहीं थी कि वो जो है उसको ट्रेन को रोक सकता है। He looked around the compartment again. उसने जो है उस कंपार्टमेंट में यानी जिसके अंदर वो कैरिज के अंदर मौजूद है उसने वहाँ पर देखा। Only crates of apples. सिर्फ वहाँ पर उस एप्पल्स के बॉक्सेस मौजूद थे। He would not starve. और वहाँ पर वो जो है भूख से नहीं बनना चाहता था या भूखा नहीं रहना चाहता था। That was one consolation. और ये उसके लिए एक कम्फर्ट था, ठीक है, यानी एक उसके लिए कम्फर्टेबिलिटी थी कि वो जो है भूखा नहीं मरेगा क्योंकि वहाँ पर एप्पल्स के क्रेट जो है मौजूद थे। ही पिक्ड अप द एप्पल्स, ही पिक्ड अप द एप्पल, उसने जो है वो सेब उठाया। ही हैड ड्रॉप्ड एंड पुल्ड द क्रेट नियरर टू द डोरवे, उसने जो है ड्रॉप कर दिया और एक क्रेट जो उधर दरवाजे के पास रख दिया। सिटिंग डाउन, ही टुक अ बाइट फ्रॉम द एप्पल, और वो वहाँ पर बैठ गया और उस एप्पल को खाने लगा। एंड स्टेयर्ड आउट ऑफ द ओपन डोर, और वो उस खुले दरवाजे के बाहर घूरने लगा या देखने लगा। ग्रीटिंग्स फ्रेंड, तो इतने देर में एक बंदा आता है, वो उसको आके कहते हैं ग्रीटिंग्स, यानी उसको जो है कहता है ग्रीटिंग्स का मतलब होता है कि वो आपको विश कर रहा है, लाइक जैसे हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय, उस तरह से। सेट अ वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, तो ये एक वो आवाज़ थी जो कि उसको पीछे से सुनाई दी। एंड साजिद स्पन राउंड गिल्टिली, स्पन राउंड यानी कि स्पिन की ये सेकेंड या थर्ड फॉर्म है जो कि इसमें यूज़ हुई भी है, ठीक है। साजिद स्पन राउंड गिल्टिली, कि वो जो है उसने अपने आप को पीछे की तरफ मोड़ा। गिल्टिली यानी कि उसको फील हुआ कि मैंने कुछ गलत किया क्योंकि वो एप्पल्स खा रहा था उसे बगैर पूछे और बगैर बताए, और वो उस ट्रेन के अंदर मौजूद था। हिज माउथ फुल ऑफ द एप्पल, और उसका जो मुंह था उसके अंदर एप्पल से, यानी क्योंकि वो खा रहा था उसने बाइट ली हुई थी। तो अब क्या हुआ अभी तक कि उसकी जो ट्रेन है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया उसने, और इतनी देर में उसको जो है एक पीछे से आवाज़ आती है जो कि उसको विश कर रही होती है, ग्रीटिंग्स यानी हेलो हाय कर रही होती है, और वो इससे जो है काफ़ी परेशान हो जाता है और उसको जो है काफ़ी गिल्टी फील होता है। उसका जो मुँह होता है वो काफ़ी भरा होता है उससे एप्पल से क्योंकि वो उस टाइम पर एप्पल खा रहा होता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट। A dirty bearded face was looking out. वो कह रहा है काफ़ी गंदा bearded यानी कि दाढ़ी वाला face जो कि looking out at him उसकी तरफ देख रहा था from behind a pile of crates जहाँ पर ढेर लगा हुआ था crates के। तो ये वाला बंदा जो था, ये आप इसमें picture में भी देख सकते हो कि ये उन crates के पीछे छुपा हुआ था जो कि वहाँ से निकलता है, और उसका जो हुलिया होता है वो बता रहे कि bearded यानी उसके दाढ़ी होती है और उसका जो चेहरा है वो काफ़ी गंदा होता है। The mouth was open in a wide grin, और उसका जो चेहरा था वो काफ़ी वाइड ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है स्माइली फेस। जब आप अपने होंठों को जो है इस तरह से स्क्वीज कर लेते हो तो वो जो आपका फेस का लुक होगा उसको हम कहेंगे ग्रीन, यानी उसका जो फेस था वो काफ़ी स्माइली था। हेलो साजिद अप्रीहेंसिवली, हु आर यू, अब साजिद उसको कहता है हेलो अप्रीहेंसिवली यानी कि उसको समझाने के अंदाज़ में, हु आर यू, तुम कौन हो। द मैन स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड, तो वो जो बंदा था वो उधर से बाहर निकलता क्योंकि वो क्रेट्स के पीछे छुपा हुआ था। एंड कन्फ्रंटेड द बॉय, और उस लड़के के सामने आ जाता है यानी साजिद के सामने।
आई विल हैव वन ऑफ दोज टू, मैं भी उनमें से एक लूँगा, यानी कि उसके हाथ में एप्पल्स है तो वो उसे कहता है कि मैं भी एक एप्पल लूँगा। ही सेड पॉइंटिंग टू द एप्पल्स, और वो कहता है और इशारा करता है उन एप्पल्स की तरफ। साजिद गेव द मैन एन एप्पल, तो साजिद जो उसको एक एप्पल दे देता है उसमें से। एंड स्टूड हिज ग्राउंड वाइल द कैरिज रॉक्ड ऑन द रेल्स, और उधर ही ग्राउंड के ऊपर वो खड़ा रहता है। वाइल द कैरिज रॉक्ड ऑन द रेल्स, यानी कि जो कैरिज है वो मूव कर रहा होता है उस रेल की पटरी पर। द मैन टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, वो जो बनता है वो आगे एक कदम बढ़ाता है। लॉस इज बैलेंस, उसका बैलेंस जो वो बिगड़ जाता है। एंड सैट डाउन ऑन द फ्लोर, और वो उसी फर्श पे बैठ जाता है, यानी कि जो उस ट्रेन का या कैरिज का फर्श होता है उसी के ऊपर वो बैठ जाता है। एंड वेयर आर यू गोइंग फ्रेंड, वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्त। ही आस्क्ड हैव यू अ टिकट, क्या तुम्हारे पास टिकट है। अब वो जो बंदा था वो उससे साजिद से पूछ रहा होता है। नो, साजिद कहता है कि नहीं मेरे पास कोई टिकट नहीं है। हैव यू, क्या तुम्हारे पास है। द मैन पुल्ड एट हिज बियर्ड, वो अपनी दाढ़ी को खींचता है। एंड म्यूज्ड अपॉन द क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा सोचता है। म्यूजिंग का मतलब होता है थिंकिंग। बट डिड नॉट आंसर इट, और वो इसका जवाब नहीं देता। ही टुक अ बाइट फ्रॉम द एप्पल, और वो जो है एक बाइट लेता है, यानी कि एप्पल को खाने लगता है। एंड सेड, और कहता है नो आई डोंट हैव अ टिकट, और फिर वो कहता है कि नहीं मेरे पास भी टिकट मौजूद नहीं है। बट आई यूजुअली रिजर्व दिस कंपार्टमेंट फॉर माई सेल्फ, लेकिन मैं जो हूँ ये वाला जो खाना है उसका बॉक्स है ट्रेन का, ये मैं अपने लिए रिजर्व रखता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव हैड अ कंपनी, तो ये पहली बार है कि मेरे साथ कोई और कंपनी, यानी मेरे साथ कोई दूसरा साथी या दोस्त मौजूद है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आर यू अ हिप्पी लाइक मी, आर यू अ हिप्पी लाइक मी। हिप्पी का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि दुनियावी चीज़ों को पसंद नहीं करते, ठीक है, वो रिजेक्ट कर लेते हैं जितने भी कल्चर ट्रेडिशंस होती है, नॉर्म्स होते हैं, ये दुनियावी कन्वेंशंस होती है, यानी कि अकेले अकेले रहने वाले लोग। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आर यू अ हिप्पी लाइक मी, क्या तुम मेरी तरह अकेले रहने वाले इंसान हो। आई डोंट नो, वो कहता मुझे नहीं पता। वेयर डज द ट्रेन गो, कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है। द स्क्रबी टिकटलेस ट्रैवलर लुक्ड कंसर्न्ड फॉर अ मोमेंट। स्क्रबी का मतलब होता है काफ़ी रफ सा, टिकटलेस यानी उसके पास टिकट भी नहीं होती। ट्रैवलर, ट्रैवलर का मतलब है वो जो इंसान जो उसके अंदर ट्रैवल कर रहा होता है उसके साथ, तो वो काफ़ी जो है गौर से इसको देखता है फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। एंड सेड, और फिर उसको कहता है वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, तुम जाना कहाँ चाहते। आई वॉन्ट टू गो एवरीवेयर, मैं हर जगह जाना चाहता हूँ। जो साजिद है उसको बताता है कि मैं हर जगह जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी ख्वाहिश होती है कि वो ट्रेन के अंदर सफ़र करे और जो डिफरेंट जगह हैं, प्लेसेज हैं, उनको वो एक्सप्लोर करे। आई वॉन्ट टू गो टू इंग्लैंड, मैं जो इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। एंड चाइना, और चाइना जाना चाहता हूँ। एंड अफ्रीका, और अफ्रीका। एंड ग्रीनलैंड, तो ये सारी वो प्लेसेज है जहाँ पर जाने का ये इरादा रखता है साजिद। आई वॉन्ट टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया में जाना चाहता हूँ। देन यू आर ऑन द राइट ट्रेन, तो अब उसको जो ट्रैवलर होता है वो इसको कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही ट्रेन में, यानी उसको वो आयरॉनिकली कह रहा है, उसको टॉन्ट कर रहा है कि तुमने अगर फॉर एग्जांपल इन जगहों पर जाना कि तुम्हें ये ट्रेन मिली थी जाने के लिए। सेट द मैन, और वो उसको आदमी कहता है दिस ट्रेन ग्रोज एवरीवेयर, वो उसको कहता है कि ये जो ट्रेन है ये हर जगह जाती है, क्योंकि वो पहले थोड़ा सा साइकोपाथ है। फर्स्ट इट विल टेक यू टू द सी, पहले जो है तुम्हें दरिया की तरफ ले जाएगी। एंड देयर यू विल हैव टू गेट ऑन अ शिप, और वहाँ पर तुम्हें जो है एक शिप पर बैठना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू चाइना, अगर तुम चाइना जाना चाहते हो। हाउ डू आई गेट ऑन अ शिप, तो मैं शिप जो है वो किस तरह से लूँगा। आज साजिद यानी साजिद अब उससे पूछ रहा है, इंक्वायर कर रहा है कि तुम जो कह रहे हो कि तुम्हें शिप पर बैठना पड़ेगा और वो तुम्हें चाइना लेकर जाएगी, तो मुझे वो शिप किस तरह से मिलेगी। कैन यू कुक, वो अब उससे पूछ रहा है क्या तुम खाना पका सकते हो, ठीक है। अब वो उससे जो है डिफरेंट क्वेश्चन करेगा और उससे पूछेगा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। वो आगे फिर उसको सजेस्ट कर रहा होता कि ये वेज है, इन वेज के थ्रू जो है तुम वहाँ पर जा सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल वेज नहीं है, ये जस्ट वो उसका टाइम पास होता है। वो वैसे भी थोड़ा साइको होता है, जो भी उसका ट्रैवलर होता है वो उसे बातें कर करके वो ट्रेन से चला जाता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। यस, वह पूछता है तुम खाना पका सकते हो। साजिद कहता है यस। अनट्रूथफुली का मतलब ये कि उसे ये खुद नहीं पता होता कि ये वाक्य सच है या नहीं। कैन यू स्क्रब अ डेक, ठीक है। अब उसे वो सेकंड क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम जो हो कश्ती को साफ कर सकते हो। स्क्रबिंग यानी क्लीनिंग, एंड डेक का मतलब होता है छोटी कश्तियाँ जो होती है। व्हाई नॉट, वो कह रहे हैं क्यों नहीं मैं कर सकता हूँ। कैन यू सेल अ शिप, और तुम्हें क्या ये शिप चलानी आती है। आई कैन सेल एनीथिंग, तो साजिद कहता है मैं कुछ भी चला सकता हूँ। देन यू विल गेट टू चाइना, अब उसे कहता है कि हाँ फिर तुम चाइना जा सकते हो। सेड द मैन, यानी उस ट्रैवलर ने उसको कहा। साजिद फिनिश्ड हिज एप्पल, उसने जो अपना एप्पल फिनिश कर लिया यानी खा लिया। उसने एक एप्पल टू कैनदर फ्रॉम द केट, और उसने एक और उधर क्रेट से ले लिया। एंड डग हिज टीथ इनटू इट, और उसने उसके अंदर अपने दांत मार दिए, यानी कि अब उसको भी खाना शुरू कर दिया। ही टू केम विद द कोर ऑफ द ओल्ड एप्पल एंड ट्राई टू हिट अ टेलीग्राफ पोल, अब उसने कह रहे जी उस वो जो उसके हाथ में एप्पल था पुराने वाला जिसको उसने खाया हुआ था, तो बीच में जो उसके सीडी वाला पार्ट होता है, सीड्स वाला पार्ट होता है, वो कहता जी अब उसने उसका निशाना बनाया कि वो जो है एक खंभे को मारेगा जो कि रस्से में मौजूद
मौजूद है बट मिस्ड इट बाय मीटर्स, लेकिन उसने जो उसको मिस कर दिया, इट वॉजन द सेम एज थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल, क्योंकि ये वैसा नहीं था जैसे कि क्रिकेट बॉल का निशाना मारते हैं। क्यों नहीं था? क्योंकि ट्रेन जो है मूव कर रही है, तो वो जो पोल्स होंगे, वो जो खंभे होंगे रस्ते के अंदर, वो भी मूव करेंगे, तो इट्स नॉट एन ईजियर टास्क टू हिट दीज पोल्स। Then to make the apple more interesting, तो उसने जो इसको ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए, he began to take a big bites, take big bites, तो उसने क्या किया, उसने बड़ी बड़ी bites लेना शुरू कर दी, to see if he could devour it in three mouthfuls, और ताकि देखने के लिए कि क्या वो इस apple को, devour का मतलब है ख़त्म कर सकता है, in three mouthfuls, यानी कि तीन bites के अंदर, but it took him four bites, तो लेकिन उसने जो कह रहा है चार bites ली ताकि वो finish कर सके इस apple को, so he started on another, और उस चार bites के अंदर ख़त्म करने के बाद उसने एक और apple ले लिया। Okay. साजिद हैड ऑलवेज़ वॉन्टेड टू बी इन अ ट्रेन, तो ये हमेशा चाहता था कि मैं जो ट्रेन के अंदर बैठूँ, अ ट्रेन दैट वुड टेक हिम टू स्ट्रेंज न्यू प्लेसेज, और उस ट्रेन के अंदर जो कि उसे अजीबो गरीब नई जगहों पर ले चले, ओवर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, यानी कि काफ़ी किलोमीटर्स, सैकड़ों किलोमीटर दूर, एंड हेयर वॉज अ ट्रेन, और ये वो ट्रेन थी डूइंग जस्ट दैट, जो कि वैसे ही कर रही थी, एंड ही वॉजन क्वाइट श्योर इफ़ इट वॉज वॉट ही रियली वॉन्टेड, और उसको ये भी नहीं पता था कि क्या ये वही ट्रेन है जिसको जिसमें ये बैठना चाहता था या जो ये करना चाहता था। मैंने अब जिस ट्रेन में बैठा हुआ, इसको खुद नहीं पता कि ये ट्रेन कहाँ पर जा रही है, तो क्या उसकी विश पूरी हो पाएगी या नहीं। द ट्रेन वॉज कमिंग टू अ स्टेशन, तो जो ट्रेन थी वो एक स्टेशन की तरफ आ रही थी। द इंजन विसल्ड, तो उसका जो इंजन था उसने विसल यानी कि हॉर्न किया, ये उसके अंदर से आवाज़ें स्लो डाउन, और वो आहिस्ता हो गया। द नंबर ऑफ रेलवे लाइन्स इंक्रीज, तो जो रेलवे लाइन्स वो इंक्रीज हो जाती है, तो जब हम ट्रेन उसके पास स्टेशन के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट जो है ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर से उस जगह पर डिफरेंट ट्रैक से जो है डिफरेंट जगहों से आने वाली जो ट्रेन है वो वहाँ पर स्टॉप करती है, तो इसलिए उसको जो है काफ़ी ज़्यादा पटरियाँ वहाँ पर नजर आई, क्रॉस्ड, जो कि आपस में क्रॉस कर रही थी, स्प्रेड आउट फैली हुई थी इन डिफरेंट डायरेक्शन, और डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ सिमटों के अंदर वो फैली हुई थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है डिफरेंट प्लेसेस है, डिफरेंट डायरेक्शन से लोगों ने आना था। बिफोर द ट्रेन कुड कम टू अ स्टॉप, इससे पहले कि वो कह रहा है वो ट्रेन रुकती, साजिद कंपेनियन केम टू द डोर, उसका जो साथी था यानी वो जो ट्रैवलर था बियर्डेड, वो उस दरवाजे के पास आया, एंड जंप टू द ग्राउंड, और उसने उस ट्रेन से छलांग मार दी नीचे ज़मीन की तरफ। यू वुड बेटर कीप आउट ऑफ साइट इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बी कॉट, वो कह रहा है, अब वो जाते जाते उसको कह के गया कि तुम जो हो इधर छुप के रहना अगर तुम पकड़े नहीं जाना चाहते, ठीक है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर दिख गया साजिद के वो उस कैरिज ट्रेन के अंदर मौजूद है, तो जो रेलवे पुलिस होगी या फिर वहाँ के अटेंडेंट्स होंगे वो इसको पकड़ लेंगे, तो वो उसको बता के जाता है कि तुम जो है यहाँ पर छुप जाओ वरना ये लोग जो है तुम्हें पकड़ लेंगे। ही वॉन्ट यानी उसने जो है इसको वार्निंग दी, एंड वेविंग हीज़ हैंड, और उसने उसको हाथ हिलाया, ही डिसअपियर्ड इन टू द जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, और वो वहाँ पर जंगल के अंदर डिसअपियर यानी कि गायब हो गया, अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, ऑन रेलवे ट्रैक्स के बाहर। द ट्रेन वॉज एट साइडिंग एंड साजिद कुड नॉट सी एनी साइंस ऑफ लाइफ, साइडिंग का मतलब है कि वो अब जो है वहाँ पर रुक रही थी एक साइड के ऊपर, एंड साजिद कुड नॉट सी एनी साइंस ऑफ लाइफ, और वहाँ पर उसको कोई भी जिंदगी के आसार नज़र नहीं आ रहे थे, यानी वहाँ पर कोई भी उसको इंसान नज़र नहीं आ रहा था। बट ही हर्ड वॉइसेज, लेकिन उसे जो है कुछ आवाज़ें सुनी, एंड द साउंड ऑफ कैरिज डोर्स बींग ओपन एंड क्लोज, अब उसका जो डोर था वो उसको जो है खुलता हुआ और बंद होता हुआ नज़र आया, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट ट्रेन मौजूद थी कैरिज के अंदर, ठीक है, जहाँ पर कैरिज के अंदर वो सामान ऑफ लोड कर रही थी या फिर अपलोड कर रही थी, तो इस तरह से उसको आवाज़ें आना शुरू होगी कि यहाँ पर और भी ट्रेन मौजूद है जिसके अंदर जो है सामान लादा जा रहा है या फिर उसको जो है ऑफ लोड किया जा रहा है। ही सस्पेक्टेड दैट एप्पल्स वुडन स्टे इन द कंपार्टमेंट मच लॉन्गर, तो उसने जो है उसे शक पड़ा कि ये जो एप्पल्स है ये भी यहाँ पर इस कंपार्टमेंट के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो है ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। सो ही स्टफ्ड वन, तो उसने भर लिया, स्टफ्ड का मतलब है भर लिया, वन इंटू ईच पॉकेट, तो उसने अपनी हर एक पॉकेट के अंदर एक एप्पल रख लिया। एंड क्लाइम्ड ऑन टू अ वुडन रैक इन अ कॉर्नर, और वो उस रैक के अंदर जो है ऊपर की तरफ चढ़ गया जो कि उस कॉर्नर में मौजूद था, ताकि वो किसी दूसरे को दिख ना सके कि वो भी इस ट्रेन के अंदर मौजूद है। प्रेजेंटली मेंस वॉइसेस वर हर्ड इन द डोरवे, तो डोरवे का मतलब होता है वो जो उसका दरवाजे के साथ जो पैसेज था या रास्ता था, वो कह रहे उसको जो वहाँ से कुछ आदमियों की आवाज़ें आना शुरू हुई। टू लेबरर्स स्टेप्ड इन टू द कंपार्टमेंट, और जो दो मजदूर थे वो इसके अंदर कंपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुए। एंड बिगैन मूविंग द क्रेट्स टूवर्ड्स द डोर, और उन्होंने इन क्रेट्स को डोर की तरफ यानी दरवाजे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। वेयर दे वर टेकन ओवर बाई अदर्स, और वहाँ पर दूसरे जो है इसको लेके जा रहे थे। सून द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी, तो जो कंपार्टमेंट था वो ऐसा ऐसा बिल्कुल खाली हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो एप्पल के क्रेट्स पड़े हुए थे वो सारे उन्होंने उतार लिए उस ट्रेन से, क्योंकि जो कैरिज ट्रेन्स होती है, स्टेशनरी गुड ट्रेन्स होती हैं, इनका काम यही होता है कि ये चीज़ों को, सामान को एक जगह से जो है दूसरी जगह पर लेकर जाती है, और इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है।
साजिद वेटेड अंटिल द मैन हैड गोन अवे बिफोर कमिंग डाउन फ्रॉम द रैक. वो कह रहा है कि उसने जो इंतज़ार किया कि वो आदमी चले जाए और फिर वो उस रैक से नीचे की तरफ उतरे, यानी जिस वो वुडन रैक के ऊपर बैठा हुआ था छुपने के लिए. आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स द ट्रेन स्टार्टेड अगेन. तो 5 मिनट के बाद ट्रेन जो है दोबारा चलना शुरू हो गई. इट शंटेड अप एंड शंटेड का मतलब होता है कि ट्रांसफर करना एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे. तो उसने जो है ट्रैक अपना चेंज किया ट्रेन ने, देन गैदर्ड स्पीड और फिर उसने जो है स्पीड पकड़ी एंड वेंट रशिंग अक्रॉस द प्लेन और उस ज़मीन की तरफ वो दौड़ पड़ी, यानी कि वो काफ़ी स्पीड में ट्रेन चल पड़ी है. साजिद फेल्ट द थ्रिल ऑफ एंटिसिपेशन. उसको जो है एक ऐसे जो है प्रिडिक्शन आई, एंटिसिपेशन यानी कि उसने पेशेंट कोई की, यानी उसको पता चला कि शायद ऐसा होने वाला है. वेयर वुड दे बी गोइंग नाउ, कि ये कहाँ पर जा रही है. ही वंडर्ड व्हाट हिज पेरेंट्स वुड डू व्हेन ही फेल्ड टू कम होम दैट नाइट. वो कह रहा है अब उसको जो है फील हुआ, वो हैरान हुआ कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके वालदैन हैं, जब वो रात के वक्त वापस घर ना गया तो वो काफ़ी परेशान हो गई, उनके साथ क्या होगा. दे वुड थिंक ही हैड रन अवे, और वो ऐसा सोचेंगे, यानी उसके पेरेंट्स ऐसा सोचेंगे कि जो साजिद है ये भाग गया हुआ है और बीन किडनैप, या फिर इसको किसी ने किडनैप कर लिया और बीन इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, या फिर इसके साथ कोई हादसा पेश आया है. दे वुड हैव द पुलिस आउट, और शायद वो पुलिस को भी बुला ले. एंड देर वुड बी सर्च पार्टीज, और वहाँ पर जो है लोग जो है ढूंढने के लिए जमा हो जाएंगे. साजिद वुड बी फेमस, तो इस तरह से जो साजिद है वो फेमस हो जाएगा. अब ये वो सारी थाट्स है जो उसके दिमाग में चल रही है. द बॉय हु डिसअपीयर्ड, और वो लड़का जो कि गायब हो चुका था. तो अब उस ट्रेन में बैठा हुआ, ट्रेन जो है वापस की तरफ मूव कर रही है, और ये सारी जो थिंकिंग है ये इसके जहन में आ रही है थाट्स, कि किस तरह से उसके जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हो रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि क्या वो भाग चुका है भाई, या फिर किडनैप हो चुका है, या उसके साथ कोई हादसा पेश आया. तो वो पुलिस को भी कॉल करेगी जो कि उसको ढूंढने के लिए निकलेगी, और इस तरह से मैं जो हूँ वो काफ़ी फेमस हो जाऊँगा. द ट्रेन केम आउट ऑफ द जंगल, तो जो ट्रेन है वो उस जंगल से बाहर की तरफ निकली एंड पास फील्ड्स ऑफ शुगर केन, और शुगर केन कहते हैं गन्ने को, ठीक है. और उसने जो है उन खेतों में जहाँ पर गन्ने उगे हुए थे उनको पास किया, यानी पीछे छोड़ दिया. एंड विलेजेस ऑफ मड हट्स, और उन गाँव को भी जो कि मड हट्स का मतलब होता है जो लोगों ने मट्टी के घर बनाए होते हैं, ठीक है, मड उसको कहते हैं. चिल्ड्रन शाउटेड, लोग जो है बच्चे चिल्ला रहे थे. एंड वेव टू द ट्रेन, और हाथ हिला रहे थे ट्रेन के ऊपर. दो देयर वॉज नो वन इन इट एक्सेप्ट साजिद, और उनको ये भी पता था कि इसके अंदर कोई भी नहीं था, क्योंकि ये फ्रेट ट्रेन थी, यह गुड ट्रेन थी. द गार्ड एंड द इंजन ड्राइवर, ठीक है, साजिद गार्ड और इंजन ड्राइवर के अलावा कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था. साजिद वेव्ड बैक, और इसने भी उनको हाथ हिला दिया. यूजली ही वॉज इन अ फील्ड वेविंग टुडे, वो कह रहे यूजली कि मतलब आमतौर पर वो भी इन खेतों में होता है वेविंग, यानी कि वो भी ट्रेन जिसे हमने बिगनिंग में देखा कि वो ट्रेनों को हाथ हिला रहा था, वो कह रहे कि उसको भी ये याद आया कि वो भी इसी तरह से फील्ड्स के अंदर होता था, यानी खेतों के अंदर, और वो हाथ हिलाता था इन ट्रेन को. टुडे ही वॉज एक्चुअली ऑन द ट्रेन, और अब वो है असल में उस ट्रेन के अंदर मौजूद है. ही वॉज बिगनिंग टू इन्जॉय द राइड, अब वो जो है इस राइड को इन्जॉय करना शुरू कर दिया उसने. द ट्रेन वुड टेक हिम टू द सी, तो वो जो ट्रेन थी वो उसको जो है समुंदर की तरफ लेकर जा रही थी, वो ऐसा सोच रहा है, ठीक है. देयर वुड बी शिप्स विद फनल्स, वहाँ पर जो कह रहे हैं शिप्स होगी. फनल्स का मतलब होता है उसका जो एक नैरो वे होता है, पैसेज वे. एंड शिप्स विद सेल्स, और उसके ऊपर कह रहे हैं सेल्स का मतलब है वो जो लगा होता है, बादमा लगा होता है, जिसके थ्रू वो डायरेक्शन सेट करते हैं. देयर माइट इवन बी वन टू टेक हिम अक्रॉस टू द ओशन, और शायद वहाँ पर एक ऐसी शिप भी होगी जो कि उसको दरिया की तरफ या समुंदर की तरफ ले जाएगी, ठीक है. तो अब ये सारी जो थॉट्स है उसके जहन के अंदर आ रही है कि इस तरह से मैं जो अपना सफ़र करूँगा और ये जो ट्रेन है ये मुझे काफ़ी दूर ले जाएगी, और इसी इस नामे उसे अपने पेरेंट्स का ख्याल भी आता है. बट वो कह रहे ही फेल्ट अ बिट सॉरी फॉर हिज मदर एंड फादर, उसको काफ़ी फील होता है कि उसके मदर और फादर के लिए, क्योंकि वो परेशान है, अकेले है पीछे. दे वुड मिस हिम, क्योंकि वो इसको मिस करेंगे साजिद को. दे वुड बिलीव ही हैड बीन लॉस्ट फॉर एवर, और शायद वो यकीन भी कर ले कि जो मेरा बेटा है साजिद वो हमेशा के लिए खो चुका हुआ है. बट वन डे, लेकिन एक दिन, अ फॉर्चून मेड, ही वुड रिटर्न होम एंड देन नोबडी वुड केयर एनी मोर अबाउट स्कूल रिपोर्ट्स. वो कह रहे लेकिन एक दिन ऐसी किस्मत आएगी कि वो जो है घर जाएगा और कोई भी उसके बारे में ज़्यादा केयर नहीं करेगा उसकी स्कूल रिपोर्ट्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि वो फेमस हो जाएगा. उसका ये ख्याल है कि वो फेमस हो जाएगा और दोबारा उसके माँ बाप उसको डांटेंगे भी नहीं. एंड वट ही एट एंड वट ही वाई ही केम होम लेट, तो वो फिर बाद में उसकी जो इंक्वायरीज नहीं होगी कि वो जो है कहाँ पर गया था, क्या उसने खाया और वो घर क्यों लेट आया. उमैर वुड बी वेटिंग फॉर हिम, उमैर जो कि उसका दोस्त है, पहले भी इसका जिक्र हुआ है, वो कह रहे हैं उसका स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा होगा. एंड साजिद वुड ब्रिंग हिम बैक टू अ प्रेजेंट, और वो उसको जो है एक प्रेजेंट यानी कि एक तोहफा देगा. एंड अफ्रीकन लायन, ठीक है, शायद वो एक अफ्रीकन लायन हो परहैप्स, और अ ट्रांजिस्टर रेडियो, या फिर रेडियो का ट्रांजिस्टर, उसके अंदर एक डिवाइस होती है रेडियो के अंदर जो कि यूज़ होती है उसके लिए फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए. बट ही विश्ड, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि उमैर वॉज विद हिम नाउ, के उमैर जो उसके साथ होता है. ही विश्ड द रैग,
ही विश्ड द रैगेड हिपी वॉज स्टिल विद हिम, और वो ये भी सोच रहा था कि जो वो हिपी था यानी कि वो जो इसके साथ ट्रैवलर ट्रैवलर था, रैड का मतलब होता है काफ़ी उजड़ा हुआ, ठीक है, क्योंकि उसका जो हुलिया था वो काफ़ी मतलब रफ सा था, वो स्टिल विद हिम कि वो ये सोच रहा था कि मेरे साथ मैड होता या फिर वो जो ट्रैवलर था वही होता ताकि उसको कंपनी मिल जाती. एन एडवेंचर वॉज ऑलवेज मोर फन वन वन हैड अ कंपनी, और कोई भी एडवेंचर या सफ़र तब तक अच्छा होता है या फनी फन होता है उसके अंदर, यानी कि आप उसको फील कर सकते हो खुशी को जब आपके साथ कोई कंपेनियन हो या फिर आपके साथ कोई कंपनी हो. ही हैड फिनिश बोथ एप्पल्स बाय द टाइम द ट्रेन शोड साइंस ऑफ रीचिंग अनदर स्टेशन, उसने जो है दोनों एप्पल्स ख़त्म कर लिए थे जब वो उस स्टेशन के पास पहुंचने वाली थी ट्रेन. दिस टाइम इट सीम टू बी मूविंग इनटू द स्टेशन इटसेल्फ, अब वो कह रहा है इस वक्त उसको ये लग रहा था कि जो ट्रेन है वो फिर स्टेशन की तरफ जो है मूव करी है, नॉट जस्ट अ साइडिंग, और ना ही वहाँ पर रुकने के लिए. इट पास्ड अ लॉट ऑफ सिग्नल्स, उसने जो है काफ़ी इशारों को जो है क्रॉस किया एंड बिल्डिंग्स एंड एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स बिफोर स्लोइंग टू अ हॉल्ट बिसाइड अ वाइड फेमिलियर प्लेटफॉर्म. वो कह रहा है कि अब उसने जो इन सारी चीज़ों को क्रॉस किया क्योंकि अब वो तेज़ी से चल रही थी और उन क्रॉसिंग्स के अंदर बिल्डिंग्स थी क्योंकि रास्ते में काफ़ी बिल्डिंग्स आ रही थी, सिग्नल्स यानी कि इशारे आ रहे थे, एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स जिसके ऊपर जो इश्तेहार लगे होते हैं, ठीक है, बिफोर स्लोइंग टू अ हॉल्ट बिसाइड अ वाइड, और उसने जो कह रहे बिल्कुल भी स्लो नहीं की कि वो रुके, हॉल्ट का मतलब होता है रुकना, बिसाइड अ वाइड किसी ओपन जगह पर फेमिलियर प्लेटफॉर्म जो कि काफ़ी जाना पहचाना प्लेटफॉर्म हो, यानी कि अब वो चली जा रही है और वो रुक नहीं रही. साजिद लुक्ड आउट ऑफ़ द डोर, ठीक है, उसने जो है बाहर दरवाजे से देखा एंड कॉट साइड ऑफ द बोर्ड बिटवीन द स्टेशन नेम, और उसने जो है बाहर देखा एक बोर्ड लगा हुआ था जो कि उस स्टेशन के नाम का था. ही वॉज सो एस्टॉनिश्ड दैट ही ऑलमोस्ट फेल आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, वो जो है इस चीज़ को देख के काफ़ी हैरान हुआ कि वो उस कंपार्टमेंट से बाहर आ गया. ही वॉज बैक एट हिज होम टाउन, तो वो जो ट्रेन थी वो वापस जो है उसी के होम टाउन में आ गई जहाँ से ये बैठा था. After traveling 50 miles, here he was home again. तो वो कह रहे 40 और 50 मील का सफ़र करने के बाद वो दोबारा अपने ही घर के स्टेशन के पास मौजूद था, यानी उसकी जो पूरी जर्नी थी वो ऐसा ऐसा ख़त्म होगी. वो चाह रहा था कि मैं जो किसी अननोन प्लेसेस पर जाऊँ, डिफरेंट कंट्रीज़ को जो विज़िट करूँ, लेकिन 40 या फिर 50 मील जो कि सिर्फ लेट्स से कि एक घंटे या डेढ़ घंटे का सफ़र था, उसके बाद जो है वो वापस ट्रेन उस स्टेशन पर आ गई जो कि उसके घर के पास था. ही कुडंट अंडरस्टैंड इट, उसको इस बात की समझ नहीं आई. The train had not turned. वो कह रहे हैं ट्रेन जो बिल्कुल उसने टर्न भी नहीं लिया. Of that he was certain, जो कि बिल्कुल obvious था कि उसने टर्न लेना था तो ही उसने अपने रास्ते वापस आना था. And it had not been moving backwards, और ना ही वो backward यानी कि पीछे की तरफ उसने move किया. He was certain of that too, और उसको इस बात का भी यकीन था कि उसने पीछे की तरफ भी move किया, यानी कि अब उसको यकीन नहीं आ रहा कि वाकई वो उस घर अपने घर के स्टेशन के पास पहुँच चुका. He climbed out of the compartment and looked up and down and platform. Yes, the engine had changed ends. It was only the local Apple train. तो अब उसको जो यकीन आ जाता कि जो ट्रेन थी ये सिर्फ एक एप्पल ट्रेन थी, यानी कि उसने वो एप्पल की क्रेट्स एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने थे. साजिद ग्लोर्ड एंग्रीली एट एवरी वन ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है, ग्लोर्ड का मतलब होता है कि गुस्से से देखना. वो कह रहा है वो सब कुछ जो है गुस्से से देख रहा था हर बंदे को जो कि उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद था, क्योंकि उसकी जो विश थी वो पूरी नहीं हुई और वो जिस क्यूरोसिटी के साथ और एक जॉय के साथ बैठा था वो उसका जॉय जो है पूरा नहीं हो सका. इट वॉज एज दो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम, और ऐसा लग रहा था कि जो पूरी दुनिया है उसने उसके साथ एक ट्रिक खेला है. ही मेड हिज वे टू द वेटिंग रूम, वो जो है वेटिंग रूम की तरफ चला गया जो कि स्टेशन पर यूजुअली बने होते ताकि पैसेंजर्स उसमें वेट कर सके अपनी ट्रेन का. एंड स्लिप्ड इन टू द स्ट्रीट, और फिर वहाँ से जो है वो कह रहा है स्ट्रीट में गया थ्रू द बैक डोर पिछले दरवाजे से. ही डिड नॉट वॉन्ट अ टिकट कलेक्टर आस्किंग हिम ऑकवर्ड क्वेश्चन, वो ये नहीं चाहता था कि जो टिकट कलेक्टर है वो उसे ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछे क्योंकि उसके पास टिकट मौजूद नहीं था. तो वो जो है बैक डोर से जो है वहाँ पर दाखिल हुआ. इट हैड बीन अ फ्री राइड, तो ये जो है कह रहा है काफ़ी उसके लिए राइड थी जो कि बगैर टिकट की थी, फ्री थी. एंड विद दैट ही कम्फर्टेड हिमसेल्फ, और उसी की वजह से उसने अपने आप को जो है काफ़ी कम्फर्टेबिलिटी दी कि तुम जो है एक फ्री राइड लेकर आए हो. स्ट्रगिंग हिज शोल्डर्स, यानी कि उसने जो अपने कंधे वो इस तरह पीछे की तरह सिग्नल आउट किए यानी मूव किए. साजिद सॉन्टेड डाउन द रोड टू द बाजार, ठीक है, सॉन्टेड डाउन का मतलब होता है इजीली वॉक करना यानी कंफर्ट के साथ वॉक करना. अब वो जो है बाजार की तरफ जा रहा था अपने रास्ते में. सम डे ही थॉट, वो कह रहा है एक दिन उसने सोचा ही वुड टेक अ ट्रेन एंड रियली गो समवेयर, कि वो एक दिन जो है ट्रेन लेगा और कहीं
चला जाएगा, असल में यह हकीकत नहीं, एंड ही वुड बाय अ टिकट, और वो जो है उस वहाँ जाने के लिए एक टिकट भी ख़रीदेगा जस्ट टू मेक श्योर ऑफ गेटिंग देयर, ताकि वो वहाँ पहुँच सके। तो अब वो ये सोच रहा है कि शायद मैंने टिकट नहीं ली इसलिए मैं जो हूँ अपनी जगह पर नहीं जा सका। आई एम गोइंग एवरीवेयर, मैं जो कहीं भी जा रहा हूँ, ही सेड फ्यूरियसली, उसने गुस्से से कहा, आई एम गोइंग एवरीवेयर, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, एंड नो वन कैन स्टॉप मी, और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। तो ये पूरा जो चैप्टर था इसके अंदर उसने जो है बताया हुआ कि साजिद की जिस तरह से क्यूरोसिटी थी, एक स्ट्रॉन्ग विश थी कि वो जो है ट्रैवलिंग करे और डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करे और वो मूव करे ताकि वो वहाँ पर घूम सके, एक्सप्लोर कर सके वहाँ पर, ठीक है, ताकि वो एक उसकी ख्वाहिश थी, एक उसकी क्रेविंग थी कि वो ऐसा करे। लेकिन ऐसा वो पूरा नहीं होता क्योंकि उसके पास टिकट भी नहीं थी और वो एक ऐसी ट्रेन के अंदर मौजूद था जो कि फ्रेट ट्रेन थी या फिर गुड ट्रेन थी। अब वो कह रहा सोचता है कि वो जो है एक एक बार ज़रूर जाएगा और इन सारी जगहों को एक्सप्लोर करेगा और वो टिकट भी लेगा ताकि वो इस बात को इंश्योर कर सकेगा कि वाकई उसने टिकट ले लिया और वो उस जगह पर पहुँच जाएगा। अब वो एंड वाली लाइन्स उसकी देखिए, उसकी अभी भी बता रहा है कि उसके अंदर एक पूरी फायर मौजूद है कि वाकई उसने जो है कहीं ना कहीं जाना है। आई एम गोइंग एनी एवरीवेयर, आई एम गोइंग एवरीवेयर एंड नो वन कैन स्टॉप मी। तो ये लाइन्स बता रही है कि अभी भी उसके अंदर जो है काफ़ी क्रेविंग मौजूद है कि उसने जो है पूरी दुनिया को जाना है। तो यहाँ पर जो है राइटर का छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, लेट्स सी। रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न इन कसौली इन हिमाचल प्रदेश, ये जो इंडिया की एक जगह है, काफ़ी मशहूर प्लेस है। इन 1934 में ये पैदा हुए और अभी भी ये अलाइव है यानी जिंदा है। ही हैज़ रिटन मैनी शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, एसेज, मजमून, नॉवल्स एंड बुक्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इन्होंने लिखा है। ही रॉट हिज फर्स्ट नॉवल, उन्होंने अपना पहला नॉवल लिखा, द रूम ऑन द रूफ, यूज नॉवल का टाइटल था, वेन ही वॉज 17, और जब वो 17 साल के थे। सो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है द ग्रेट ट्रेन जर्नी, जो कि चैप्टर नंबर 4 था, वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ रिव्यू योर क्वेश्चन आंसर्स पार्ट फ्रॉम योर यूनिक हैंडआउट्स सो दैट यू कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर प्रिपरेशन विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ सेफ टाइम।